नमस्कार, मैं हूं नवीन चौहान। आप देख रहे हैं हेडलाइंस स्पोर्ट्स। अनिल कुंबले पिछले साल टीम इंडिया के हेड कोच चुने गए। साल भर में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया, इसके बाद भी वे अपनी कुर्सी नहीं बचा सके। आइए आपको बताते हैं वो चार कारण जिनसे कुंबले को इस्तीफा देने को मजबूर होना पड़ा। कारण नंबर एक, कुंबले के नाम पर खुलकर सामने आ गए थे विराट कोहली। जी हां, चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान के हाथों हार के बाद कोच कुंबले और कप्तान विराट के बीच सुलझता हुआ मामला फिर उलझ गया। विराट ने फाइनल से एक दिन पहले क्रिकेट सलाहकार समिति के समक्ष कुंबले को लेकर खुलकर आपत्ति जताई थी, जिससे सलाहकार समिति पसोपेश में थी। कारण नंबर दो, बोर्ड में कोई तरफदारी वाला ना होना। कुंबले का सिलेक्शन टीम इंडिया के धाकड़ क्रिकेटर रहे सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली और वीवीएस लक्ष्मण ने किया था, पर उसके बाद कुंबले को बोर्ड में सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था। ऐसे बड़े मौके कम ही आए थे जब बोर्ड में कोई कुंबले के सपोर्ट में खुलकर सामने आया हो। कारण नंबर तीन, अनुशासन का सख्ती से पालन। कहा जाता है कि कोच कुंबले टीम इंडिया में अनुशासन को लेकर काफी सख्त थे। कई मौकों पर वो प्रैक्टिस के दौरान खिलाड़ियों को लताड़ भी लगा चुके थे। साथ ही कई दौरों पर वो टीम इंडिया के खिलाड़ियों की गर्लफ्रेंड्स पत्नियों के जाने के खिलाफ थे, हालांकि इस बारे में कभी उन्होंने खुलकर कोई बयान नहीं दिया। और कारण नंबर चार, रविवार को ही कुंबले का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ था। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद अनिल कुंबले का बतौर कोच कार्यकाल खत्म हो रहा था, जिसे बीसीसीआई ने इंडीज दौरे तक बढ़ा दिया था। 25 मई को इस पद के लिए आवेदन मांगे गए थे। कोच के लिए बीसीसीआई के मांगे आवेदनों में कुंबले को सीधे एंट्री मिली थी। वहीं पूर्व बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग भी इस दौड़ में शामिल हैं। तो ये हैं वो चार कारण जिससे अनिल कुंबले को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। आपको ये खबर कैसी लगी, इस खबर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हेडलाइंस स्पोर्ट्स को अभी सब्सक्राइब कीजिए।